हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चीज़ कॉर्न रोल। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में चीज़ कॉर्न रोल कैसे बना सकते हैं। चीज़ कॉर्न रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से आप पनीर ग्रेट कर लें। पनीर ग्रेट करने के बाद ये कॉर्न है और कॉर्न को आपने ब्लांच कर लेना है, मतलब हल्का सा उबाल लेना है क्योंकि जो इसके अंदर पानी होता है वो निकल जाए। और आपने इस तरीके से दबा के ये देखिए पूरा पानी निचोड़ देना है। पानी निचोड़ने के बाद आप चॉपिंग बोर्ड पे रख लें और इसको आपने हल्का सा चॉप कर लेना है, मतलब एक के दो, एक के तीन इस तरीके से काट लें, साबुत ना रखें, इस तरीके से काट लें। इससे ज़्यादा ना काटें, एक आध साबुत भी रह जाएगा तो चलेगा। काटने के बाद भी आपने पानी निचोड़ना है हल्का सा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात, इसमें डाल देना है आपने। उसके बाद आपने इसमें डालना है नमक, एरोमेटिक पाउडर, वाइट पेपर, थोड़े से स्प्रिंग ओनियन। अगर आपको ये दो तीन दिन चलाना है तो स्प्रिंग ओनियन ना डालें, सड़ जाती है। अगर आपने आज ही यूज करना है तब डाल लें। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। दुनिया का कोई भी शेफ आपको कॉर्नफ्लोर डालने बताएगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ। कॉर्नफ्लोर क्यों डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे और चीज़ कॉर्न रोल फ्राई करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, फट जाएगा, मतलब एकदम बेकार हो जाएगा। और आप अगर एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो कॉर्नफ्लोर गाइस को पकड़ लेगा। तो आप कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें, ज़रूर डालें, ज़रूर डालें। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसकी जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम एक डिप बोल लेंगे। डिप बोल के अंदर हम डालेंगे एक चम्मच मैदा, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा ना डालें, खाली पानी से घोल लें या दूध से और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये जो मैं बना रहा हूँ ये चिपकाने के लिए बना रहा हूँ। स्प्रिंग रोल हम रोल करेंगे तो उसे किससे चिपकाएंगे। इस तरीके से घोलने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। फिर से बता दूँ, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो दूध या पानी से घोल लें और थोड़ा गाढ़ा बनाएं, जैसे ये मैंने पतला बनाया है। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप थोड़ा सा गाढ़ा बना लें, बस इतना सा फर्क है, चिपक जाएगा। ये देखिए, ये है स्प्रिंग रोल की सीट। इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, अंडे वाला भी और बिना अंडे वाला भी, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से देखिए ऐसे रखना है आपने, थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप अपने लिए खा रहे हैं, पार्टी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए इतना काफ़ी है। ऐसे रखने के बाद ऐसे आपने एक बार घुमाना है इसको, और जो मैंने आपको बेटर बना के दिखाया था अभी वो यहाँ लगाना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे अच्छे से लगा लें, उसके बाद यहाँ से घुमाइए। देखिए ऐसे आपने घुमा लेना है और यहाँ अच्छे से लगाना है। ऐसे लगाने के बाद आपने टाइट लपेटना है। ये देखिए ये रोल तैयार हो गया। इस तरीके से आपने रोल बनाने, और इनकी सबसे खास बात ये होती है ये वेज या चिकन रोल की तरह फटते नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे से लपेट जाते हैं। ये देखिए आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरीके से आपको रोल बना के बता दिए, और मैंने ये भी बताया इनका फ़ायदा क्या है, ये जल्दी टूटते नहीं और अच्छे से रोल हो जाते हैं। अब हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आपने तेल में डाल देना है और आराम से फ्राई होने दें। जब तक हमारा रोल फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको प्लेट में गार्निश करके दिखाता हूँ। मैं बहुत ही अलग गार्निश देता हूँ चाइनीज़ में अपने होटल में। ये स्वीट चिल्ली सॉस है, आप इसको स्वीट चिल्ली सॉस से खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में, और ये मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। उसके बाद आपने एक डिप बोल लेना है या कुछ भी प्लेट ले लें, उसमें फ्राई नूडल, थोड़े से गाजर, थोड़े से प्याज और थोड़े कैप्सिकम। अगर आप महंगे होटल में हैं, मतलब बड़े होटल में, तो आप इसमें रेड येलो पेपर भी डाल सकते हैं और स्वीट चिल्ली सॉस। स्वीट चिल्ली सॉस डाल के आपने इसको हल्का सा मिलाना है। ये देखिए
एक बेहतरीन सलाद बन जाता है। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन, ये देखिए ऐसे मिलाएं हल्के हाथ से। अब ये कलर देखिए और इसका टेस्ट तो मैं बता नहीं सकता, वो आपने खा के मुझे बताना है। इसके अंदर आपने रख देना, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है इसका और अच्छा भी बहुत लगेगा। इस तरीके से आपने गार्निश करनी है। और यहाँ प्लेट में थोड़ी सी कटी हुई सब्जी भी डाल दें। मैं आपको हमेशा बताता हूँ मैं ये क्यों डालता हूँ। थोड़ी देर के बाद आपने चलाना है और इसको निकाल लेना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ऐसे निकालने के बाद उसके बाद आपने तेल को ज़्यादा गर्म करना है, रीहीट करना है और तुरंत इसको डालना है, फटाक से निकाल लेना है। ये देखिए तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है और आपने गर्म तेल में डालना है इस तरीके से और चलाते रहें। उससे क्या होगा, चारों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा और आपने फटाक से निकालना है। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। फ्राई करने के बाद कलर देखिए कितना अच्छा है। आपने इसको काट लेना है। काटने के कई तरीके हैं लेकिन मैं हमेशा ट्रायंगल में काटता हूँ इस तरीके से, और आप चापर से भी ऐसे एकदम मार के काट सकते हैं, ऐसे काट लें। काटने के बाद आपने ऐसे प्लेट में लगा देना है। प्लेट बड़ी है तो आप इसको घुमा के भी लगा सकते हैं। ये देखिए थोड़े से स्प्रिंग ओनियन ऊपर डाल दें, इतने थोड़े, ये देखिए एक टीस्पून। अब ये बहुत ही शानदार चीज़ कॉर्न रोल बन चुका है और इन सब में इसकी गार्निश सबसे ज़्यादा कमाल की है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और छोटी रेसिपी लेके आया चीज़ कॉर्न रोल, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया आप अपने घर में अपने होटल में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।